मैं दर्शकों को दिखाऊंगा चाय के बारे में। कोई कोई लाल चाय पीता है और कोई कोई दूध चाय पीता है, सॉरी कोई कोई लाल चाय पीता है, कोई कोई लाल चीनी पीता है और देखो कोई कोई लाल चाय पीता है, कोई कोई लाल चीनी पीता है और कोई कोई गुड़ लाल पीता है और कोई कोई काली लाल चाय पीता है। और मैं देखो चाय अभी गर्म है, धुआं उड़ रहा है, वो चाय गर्म है, अभी धुआं उड़ रहा है, देखो धुआं उड़ रहा है। मैं चाय दूध चाय के बगैर हम चाय नहीं पीता है। और देखो ये बिस्कुट, चाय के बगैर हम बिना चटनी से खाना खाने में भोजन करने में तो चटनी कहीं ना कहीं होता है। इस तरह का मैं चाय पीने से, इस चाय के बगैर हम बिस्कुट पी नहीं सकता, इसलिए हम चाय के बगैर बिस्कुट के बिना हम चाय नहीं पीते, इसलिए इसे चाय के साथ साथ बिस्कुट भी है। देखो ये बिस्कुट और ये चाय ऐसा हम पीता है। इस चाय में तो क्या ये आप लोग भी जानता है क्या चाय कैसे बनाता है, दूध चाय कैसे बना, पानी चाय पत्ती और चीनी और ये एवरेज पाउडर दूध, ये कॉफी पाउडर, रंगीन, उन पांचों चीज़ों को मिलकर ये एक चाय बनता है। यही चाय को हम पी लेता है और यही बिस्कुट को चाय के साथ साथ भी चटनी की तरह बिस्कुट भी खा लेता है। लेकिन ये चीनी को अकेला का पीने से एक केजी चीनी पूरे डेढ़ हफ्ता तक, अकेला पीने से डेढ़ हफ्ता तक लगता है। और ये दूध एवरीडे दूध पाउडर अकेला पीने से दो हफ्ता लगता है। और ये अकेला पीने से ये चाय पत्ती पूरे तीन हफ्ता लगता है। और ये अकेला ये परिवार के साथ या लोगों के साथ पीने से चीनी भी एक केजी भी नहीं लगता है, एक हफ्ता के अंदर ही चीनी भी ख़त्म हो जाता है और दूध भी एक हफ्ते का बात ही ख़त्म होता है। और चाय पत्ती तो ये डेढ़ हफ्ते तक बसता है या रहता है ये चाय पत्ती। लेकिन क्या करूँ मैं चाय पीने के लिए आदत है ना, या शैबिन है, मैं चाय पीने के आदत है या मैं चाय पीने के शैबिन है, इसीलिए तो मैं मेरे दर्शकों को दिखा रहा हूँ जो मेरे चाय पीने में यही हम ऐसा पीता है। तो इसलिए मैं देखो ये दूध चाय देखो अभी धुआँ उड़ा है, देखो हम ये देखो ना ये धुआँ उड़ा है ना, अभी तो गर्म है, देखो धुआँ उड़ा है दूध चाय। दूध चाय के हमेशा के लिए हम सुबह और दोपहर या शाम को, हम दिन को तीन बार चाय पीता है, वो भी वो चटनी के बिना नहीं का पी नहीं सकता या बिस्कुट के बिना हम चाय नहीं पीता। इसीलिए मैं दर्शकों को दिखा रहा हूँ जो मेरे वीडियो में पसंद है तो ज़रूर कर देना, अगर ना पसंद भी है तो भी ज़रूर कर देना बस।